बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज जो फार्मा प्रोडक्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रोसिप। रोसिप एक आई ड्रॉप है, रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक बड़ा ही मशहूर ये ब्रांड है। ये रोसिप जो है आई ड्रॉप है। अगर इसके फार्मूला की बात करें, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक, जिस तरह पहले वीडियोज़ में मैंने मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और फ्लॉक्सासिन के मतलब वीडियोज़ बनाई, इसी तरह सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी एक एंटीबायोटिक है। इस एंटीबायोटिक की अगर बात की जाए तो ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल कंपनी एक वेल नोन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसकी आई के अंदर बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रेस्क्राइब की जाती हैं सीनियर कंसल्टेंट और डॉक्टर्स की तरफ से। तो ये जो रोसिप है, रोसिप भी बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाने वाला एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है। अब बात करते हैं इसके यूज़ की। देखें, इसके नाम से जाहिर है कि ये एक एंटीबायोटिक है, तो लिहाजा ये जरासीम मारने के लिए इस्तेमाल होगा। और इसके अंदर जो सिंपल चीज़ है वो ये है कि आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है तो कोशिश ये करनी है कि आपने इस एंटीबायोटिक जो ड्रॉप है इसको लो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करके इसको हाई फ्रीक्वेंसी पे लेके जाना है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर इसको इस्तेमाल करना है तो जिस तरह जनरल रूल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, हर आई ड्रॉप जो है 6 आवरली, मतलब हर 6 घंटे के बाद एक कतरा। देखें, बाद सम टाइम आप लोग जब आई ड्रॉप डाल रहे होते हैं तो क्या करते हैं पेशेंट, गलती के 3 3 4 4 कतरे एक ही दफ़ा डालेंगे और वो सारा का सारा आई ड्रॉप चंद इसकी जो टोटल क्वान्टिटी होती है, अगर ये तो रिड्यूस सैंपल है चूंकि ये फिजिशियन सैंपल है, लेकिन जो टोटल क्वांटिटी होती है वो बड़ी हार्डली 10 ml तक होती है। अब 10 ml अगर आप इस टोटल एंटीबायोटिक का जो आई ड्रॉप का वो क्वांटिटी अगर 10 अपना 3 3 4 4 कतरे आप एक दफ़ा डालेंगे, अगर 2 आवरली 1 आवरली अगर आपको प्रेस्क्राइब किया तो बहुत जल्दी से आई ड्रॉप आप ख़त्म कर लेंगे और आपके लिए ये जो है फाइनेंशियल कॉस्ट का बायस बनेगी। तो इसलिए जबकि मैंने को बताया गया सिर्फ आई के अंदर एक टाइम के ऊपर सिर्फ 1 ड्रॉप एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है, तो इसलिए ब्राय मेहरबानी जब भी आप आई ड्रॉप इस्तेमाल करें तो आप कोशिश करें कि एक ही ड्रॉप को ध्यान से डालें और पूरा का पूरा आई लिड जो है आपका लोअर आई लिड है उसको नीचे को पुल करें, और पुल करने के आपको उसके अंदर एक आई ड्रॉप डाल के उसको आप आँख को पेशेंट को कहें कि आँख बंद कर लें और 5 मिनट तक आँख को बंद रखें ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके और आई ड्रॉप जो है वो नोज़ के रास्ते से आपके ज़ाया होके गले में ना जाए। तो प्यारे दोस्तों, बाकी इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट इतने ख़ास नहीं हैं। सिंपल इसको जो है ये कि ज़्यादा अरसे तक अगर आप इस्तेमाल करेंगे 2 3 हफ़्ते से ज़्यादा, तो फिर ये आपकी आंखों में ड्राइनेस या आपकी आंखों में जो है सख्तापन जो है वो इस्तेमाल कर सकता है खास। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, जब भी आप एंटीबायोटिक कोई सभी आई ड्रॉप इस्तेमाल करें तो 2 हफ़्ते इस्तेमाल करने के बाद उसको ज़रूर दरमियान में वक्फा देना लाजमी है। तो प्यारे दोस्तों, ये था रोसिप आज का आई ड्रॉप जो आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ से नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।